नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पांच हजार से ज्यादा पुराने नोट जमा किए तो देना होगा जवाब। 1000 रूपए तथा 500 रूपए के प्रतिबंधित पुराने नोट बैंकों में जमा कराने के लिए पहले 30 दिसंबर तक का समय देने के बाद अब कहा गया है कि सोमवार से 5000 रूपए से ज्यादा पुराने नोट जमा कराने पर जमाकर्ता को जवाब देना होगा कि उसने ये नोट बैंक में अब तक क्यों नहीं जमा कराए। हालांकि 5000 रूपए तक जमा कराने पर प्रतिबंध नहीं होगा। रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आज से 30 दिसंबर तक एक बार में या किश्तों में 5000 रूपए से ज्यादा मूल्य के प्रतिबंधित नोट जमाकर्ता से पूछताछ के बाद ही उसके खाते में जमा किए जाएंगे। पूछताछ के समय बैंक के कम से कम 2 अधिकारी मौजूद होंगे तथा पूरी पूछताछ ऑन रिकॉर्ड होगी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन बैंक खातों में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उनमें अधिकतम 50000 रूपए ही जमा कराए जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार दूसरे के खाते में पुराने नोट जमा कराने के लिए प्राधिकरण पत्र जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी की घोषणा के समय 8 नवंबर को सरकार ने पुराने नोट बैंकों तथा डाकघरों में जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कानपुर रैली में कहा कि लोगों ने बैंक की लाइन में लगकर स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश की भलाई के लिए कष्ट झेला है। उन्होंने कहा कि ये कठिनाई सिर्फ 50 दिन की है, इसके बाद नहीं होगी, आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों को इनाम भी दिए जाएंगे। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.80% से घटाकर 8.65% की गई। गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अस्पताल से छुट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में रखी देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की नींव। रूसी रक्षा मंत्रालय का विमान IL-18 साइबेरिया के याकुटिया में दुर्घटनाग्रस्त, 27 लोगों की मौत। और मशहूर गांधीवादी कार्यकर्ता एवं जाने माने पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का निधन। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।